हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियों के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में ये आपके लिए है वीडियो क्रमांक 14। ठीक है, अभी तक हमने 190 प्रश्नों को 13 इंपॉर्टेंट वीडियोस में हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, ये हमारा 14वां वीडियो है जिसमें हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले के जो 12 वीडियोस आकर आपने नहीं देखा है तो 13 वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किया गया है, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। ये सारे जीके जो है स्टैटिक जीके का आपके लिए तैयार किया गया है, ताकि आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम के समय अगर कम आपके साथ समय हो आपके पास, तो आप दुगना स्पीड में ये सारे वीडियोज़ को देख के एक बार चले जाएँ, बहुत अच्छा आपके लिए होगा। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नांकित में से कौन शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, नहीं है पूछा गया कि कौन सी शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है। मनियारी नदी, लीलागर नदी, अरपा नदी या फिर शबरी नदी, कौन सा सहायक नदी नहीं है किसकी? तो शिवनाथ नदी की। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो शिवनाथ नदी की कुल लंबाई जो है 290 किलोमीटर की है, और ये पांडा बरस की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख लें। ठीक है, उद्गम कहाँ से? तो पाना बरस की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, जाके मिलता किस में? तो महानदी में जाके इसका विसर्जन हो जाता है। ठीक है, किस में? महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कहाँ पे? तो शिवरी नारायण के पास। ठीक है, शिवरी नारायण के पास महानदी में इसका विसर्जन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो शिवनाथ। लेकिन अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महानदी। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? शिवनाथ। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि बताइए कि महानदी की कुल लंबाई कितनी है, और छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर तक, ये कितना लंबा, जो कितने किलोमीटर तक बहती है। अब इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, शबरी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है, ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। बाकी मनियारी, लीलागर, अरपा और एक और याद रखिएगा खारून, ये तीनों चारों जो नदियां मैंने यहाँ पर बताया, ये सभी शिवनाथ नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो ये मनियारी नदी जो है शिवनाथ की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे 192 नंबर का प्रश्न, उम्मीद है आपका ये सही हुआ होगा। 192 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार से यहाँ से पूछ लिया जाता है। प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इधर दिया है छत्तीसगढ़ में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र और जिला, इधर जो है पशु प्रजनन केंद्र का नाम दिया है, और इधर जिला दिया है कि कौन से जिले में सुमेलित संबंधित है, इसमें से किसी एक को सुमेलित को पहचानना है। अंजोरा दुर्ग, पकरिया सरगुजा, सरकंडा, जगदलपुर या सकोला रायगढ़, कौन सा इसमें सुमेलित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये अंजोरा पशु प्रजनन केंद्र जो है दुर्ग जिले के अंदर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बाकी ये जो पकरिया है ये सरगुजा के अंदर नहीं है, पकरिया आपको मिलेगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के अंदर ये मिलेगा। ठीक है, सरगुजा का एक याद रख सकते हैं कि ये जो सकोला है, ठीक है, सकोला पशु प्रजनन केंद्र, ये आपको कहाँ मिलेगा? सरगुजा जिले के अंदर मिलेगा। सकोला पशु प्रजनन केंद्र ये सरगुजा जिले के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अंबिकापुर के पास एक्चुअली में। ठीक है, अब जो केस जो सरकंडा है ये आपको कहाँ मिलेगा? बिलासपुर जिले में। सरकंडा पशु प्रजनन केंद्र कहाँ? बिलासपुर में देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं क्या, तो चंदखुरी, एक चंदखुरी में भी एक पशु प्रजनन केंद्र है। अब ये चंदखुरी कहाँ, कौन से जिले में? तो रायपुर जिले के अंदर है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि 193 नंबर का प्रश्न है। 193 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में काजू शोध केंद्र कहाँ स्थापित की गई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, रिसर्च सेंटर से भी पूछ लिया जाता है कई बार कि काजू शोध केंद्र या फिर काजू अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ के अंदर कहाँ स्थापित किया गया है, बस्तर में, मैनपाट में, रायपुर में या फिर जशपुर में, कहाँ किया गया है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस्तर के अंदर काजू प्रसंस्करण केंद्र बोल लीजिए या फिर काजू शोध केंद्र या काजू अनुसंधान केंद्र है, बस्तर के अंदर स्थापित किया गया है।
मैन पार्ट के अंदर याद रखिएगा, आलू का अनुसंधान केंद्र है, फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो ये भी मैन पार्ट में देखने को मिलेगा। और एक और याद रखिएगा, टमाटर, ठीक है, टमाटर अनुसंधान केंद्र भी मैन पार्ट के अंदर ही स्थित है। ठीक, आलू, फल और टमाटर, ये तीनों के तीनों मैन पार्ट के अंदर, इन तीनों का अनुसंधान केंद्र है। आलू अनुसंधान केंद्र का स्थापना 2013 के अंदर किया गया था मैन पार्ट के अंदर। रायपुर का एक याद रख सकते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, रायपुर का जो लभांडी है, ठीक है, रायपुर के लभांडी में चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। जशपुर में चाय के लिए चाय संवर्धन केंद्र या फिर चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जशपुर के अंदर स्थापित किया गया है। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है क्या, कि बताइए कि पान अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ है, ठीक है, पान अनुसंधान केंद्र, तो ये आपको मिलेगा राजनांदगांव में, ठीक है, राजनांदगांव जिले के अंदर, ठीक है, याद रखना चाहिए सब, कई बार से कभी कभार पूछ लिया जाता है जो कि हमारा गलत हो जाता है। चलिए आगे, 194 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमेलित है, ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है। बायोटेक पार्क अंबिकापुर, मेटल पार्क रामाभाटा रायपुर, एल्यूमिनियम पार्क मुनगी ग्राम रायपुर, या फिर अपेरल पार्क भनपुरी रायपुर, इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, मतलब असुमेलित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम पार्क आपको मुनगी ग्राम रायपुर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। यह जो एल्यूमिनियम पार्क है आपको कहाँ मिलेगा, कोरबा के अंदर, कोरबा के अंदर एक जगह दोदरो, ठीक है, वहीं पर बनाया गया है एल्यूमिनियम पार्क। बाकी बायोटेक पार्क अंबिकापुर सरगुजा के अंदर है, बिल्कुल सही है, मेटल पार्क रामाभाटा रायपुर में है, और अपेरल पार्क भनपुरी रायपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। मुनगी ग्राम जो रायपुर है यहाँ पर है जैव प्रौद्योगिकी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये कहाँ है, मुनगी ग्राम रायपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, तो ये आपको मिलेगा नवा रायपुर में या फिर नया रायपुर के अंदर, ठीक है। एक और पूछा जाता है प्लास्टिक पार्क या फिर पॉली पार्क, कमेंट करके आप लोग बताइए कि ये प्लास्टिक पार्क या फिर इसी को कई बार से कहा जाता है पॉली पार्क, ये छत्तीसगढ़ के अंदर कहाँ स्थापित किया गया, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, 195 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें भी असुमेलित विकल्प का ही चयन करना है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर धमतरी, सिद्धेश्वर मंदिर बलौदा बाजार, फणिकेश्वर नाथ महादेव मंदिर गरियाबंद, या फिर डिडनेश्वरी मंदिर शिवरी नारायण, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, असुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये डिडनेश्वरी मंदिर जो है शिवरी नारायण में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको डिडनेश्वरी मंदिर जो है मल्हार में देखने को मिलेगा, और मल्हार कौन से जिले के अंदर है, तो बिलासपुर जिले के अंदर देखने को मिलता है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर बिल्कुल धमतरी के अंदर है, ये सही है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बलौदा बाजार के अंदर है, बिल्कुल सही है। और फणिकेश्वर नाथ, ठीक है, महादेव मंदिर गरियाबंद के अंदर है, गरियाबंद में भी कहाँ, तो फिंगेश्वर के पास, ठीक है, गरियाबंद में फिंगेश्वर है, फिंगेश्वर वहीं पे फणिकेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके लिए है कि बताइए कि लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, दूसरा है लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है, और तीसरा राजीव लोचन मंदिर कहाँ है, ये तीनों कमेंट करके बताइएगा, या फिर नहीं भी कमेंट करेंगे तो एटलीस्ट इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि ये कहाँ है और किसने बनवाया था, ठीक है। बाकी वीडियोस, बाकी क्वेश्चंस में, पहले के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे 13 वीडियो में से, तो ये सारे चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो आगे के वीडियोस में कहीं ना कहीं आपके लिए प्रश्न बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कराने के लिए आएगा। तो ये तीनों को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहां पर है। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिडनेश्वरी मंदिर कहाँ, मल्हार बिलासपुर के अंदर स्थित है। 196 नंबर का प्रश्न है कि सूची एक जो कि धार्मिक स्थल है, सूची दो जिसमें धर्म से संबंधित है, सुमेलित करना है, ठीक है, इधर में बताना, इधर चंपारण, नगपुरा, गिरौदपुरी और दामाखेड़ा, इधर सुमेलित करना है कि कौन से धर्म से संबंधित स्थल है, ठीक है, बताना है।
ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और उत्तर देने की कोशिश करें, इसके बाद मेरा आंसर को आप मैच करिएगा। देखिए जो चंपारण है ये आप सभी को पता होगा कि ये वल्लभाचार्य संप्रदाय से संबंधित है, क्योंकि यहाँ जो चंपारण है वहीं पे वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चंपारण के अंदर चंपकेश्वर महादेव मंदिर है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना चाहिए। नगपुरा तो आप सभी को पता है कि जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, जैन धर्म में भी किसका, तो जो पार्श्वनाथ थे, ठीक है, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं उनसे संबंधित है नगपुरा, ठीक है, याद रखिएगा। गिरौदपुरी जो है ये सतनामी पंथ से संबंधित है, ठीक है, सतनामी पंथ से, क्योंकि इस गिरौदपुरी के अंदर ही गुरु घासीदास जी जो हैं उनका जन्म हुआ था, ठीक है, गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल गिरौदपुरी है, इसीलिए ये सतनाम पंथ से संबंधित है। यहाँ पे प्रसिद्ध जैतखाम देखने को मिलेगा, इसी के आसपास जो है छाता पहाड़ है, जो कि ये भी इससे सतनाम पंथ से ही संबंधित है। और चौथा बच गया दामाखेड़ा, जो कि है एक कबीर पंथ या कबीर पंथ के स्थल से संबंधित है, ठीक है, यहाँ पे आपको कबीर चबूतरा देखने को मिलेगा जिसको समाधि मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसको मैच करेंगे तो ए का दो बी का तीन, देखिए कहाँ है ए का दो और बी का तीन कहाँ है, ए का दो बी का तीन सी का एक और डी का चार, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे 197 नंबर का प्रश्न है कि कलचूरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांव से मिलकर बना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे मैं जानकारी थोड़ा सा अच्छे से देना चाहूँगा, बताना है पहले तो आपको कि एक जो गढ़ है वो कितने गांव या कितने ग्राम से मिलकर बनता है, 36, 24, 84 या फिर 12, ठीक है। देखिए पहली बात तो यहाँ पे जो गढ़ है, इस गढ़ का जो प्रमुख होता था, गढ़ का जो प्रमुख होता उसको क्या कहा जाता था, उसको दीवान कहा जाता था, दीवान या कह लीजिए या फिर गढ़ाधिपति, ठीक है, दीवान या फिर गढ़ाधिपति, ये दोनों के दोनों किसके, गढ़ के प्रमुख होते थे। अब यहाँ पे समझिएगा, जो एक गढ़ होता था उस एक गढ़ के अंदर 7 बरहो होता था, बरहा या फिर बरहो कह लीजिए, एक गढ़ के अंदर कितना, 7 बरहो। गढ़ का प्रमुख तो हमने देख ही लिया, दीवान या फिर गढ़ाधिपति, ये जो बरहा होता है इसका प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो इसको दाऊ कहा जाता था, जो बरहो का प्रमुख कौन, दाऊ, या इसी को कई बार से तालुका अधिकारी भी कहा जाता था, ठीक है, एक गढ़ के अंदर 7 बरहो। अब जब एक बरहो की बात होगा तो एक बरहो के अंदर, बरहो मतलब नाम से ही 12 समझ में आ रहा है, एक बरहो के अंदर 12 ग्राम होता था, ठीक है, याद रखिएगा। और ग्राम का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था, गौटिया कहा जाता था, ठीक है, गांव का प्रमुख को क्या कहते थे, गौटिया कहा जाता था। अब यहाँ पे देखिए, एक बरहो में 12 ग्राम और एक गढ़ में 7 बरहो, तो एक गढ़ के अंदर कितने ग्राम हो जाएंगे, तो 7 और एक बरहो के अंदर 12 ग्राम, तो 7 × 12, 12 × 7 = 84, टोटल 84 ग्राम एक गढ़ के अंतर्गत आते थे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ग्राम होता था, ठीक है, कलचूरी शासन के दौरान ग्राम जो होता था या गांव, ये सबसे छोटी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 198 नंबर का प्रश्न। प्रश्न है कि ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त कैप्टन एगेन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था, ठीक है। देखिए कैप्टन एगेन्यू जो है, इनका नियुक्ति 1818 से होता है और ये 1825 तक इनका कार्यकाल होता है, 1818 से 1825। पहली बार आप कमेंट करके बताएं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब देखते हैं कैप्टन एग्न्यू ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया था, क्या परगना पद्धति का सूत्रधार यही किया था, या सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था, ठगी प्रथा का दमन किया था, या फिर राजधानी में परिवर्तन किया था, क्या इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए कैप्टन एग्न्यू के आने से पहले जो छत्तीसगढ़ की राजधानी होती थी वो कहाँ होता था, रतनपुर के अंदर होता था, क्योंकि कलचूरी का शासन के समय से ही रतनपुर चला आ रहा था, ठीक है, तो रतनपुर था। अब जब कैप्टन एग्न्यू जो है ये आते हैं तो इन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक ढांचे में सुधार या फिर पुनर्गठन का कार्य करते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि प्रशासनिक ढांचों का पुनर्गठन का कार्य कैप्टन एग्न्यू जोर शोर से करते हैं। और उसी क्रम में 1818 में जैसे ही नियुक्त होकर आते हैं
तो 1818 के अंदर ही राजधानी में परिवर्तन करके रतनपुर से राजधानी कहाँ आ जाता है, रायपुर इन्होंने ले आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा रायपुर में, ठीक है। तो इनका नियुक्ति 1818 से 25 के होता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक जो थे वो कैप्टन एडमंड थे, ठीक है, 1818 में ही नियुक्त किया गया था, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाते हैं, तो फिर इनको कैप्टन एग्न्यू को बनाया जाता है, ठीक है। और इन्होंने राजधानी परिवर्तन का काम कैप्टन एग्न्यू ही 1818 में किया था, ठीक है। कैप्टन एग्न्यू एक और काम करते हैं कि इनके आने से पहले जो छत्तीसगढ़ है 27 परगनों में बटा हुआ था, जिसको उन्होंने कन्वर्ट करके पहले तो 8 परगनों में बांटा था, लेकिन बाद में फिर से उसको एक और बढ़ा दिया था और 9 परगनों में परिवर्तित कर दिया था या सीमित कर दिया था, ठीक है। कैप्टन एग्न्यू ने और एक काम किया था कि छत्तीसगढ़ में जो पटेल का पद होता है, कलचूरी के समय से जो पटेल का पद आ रहा था उसको समाप्त कर दिया था, और क्या बोलते हैं, कलचूरियों के समय तो था ही, साथ ही साथ जो मराठा शासन के समय भी पटेल का पद था उसको समाप्त कर दिया था, लेकिन गौटिया का ही ऐसा पद था जो कि ब्रिटिश शासन काल तक भी चला आ रहा था, ठीक है, सब आपको जानकारी याद होना चाहिए। चलिए 199 नंबर का प्रश्न, 199 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता कौन थे, कौन कौन से थे, इसमें आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए और उत्तर देने की कोशिश करिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आप इसको समझते हैं, बताना है कि कौन कौन से जो नेता है कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नेता थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, नारायण राव मेधा वाले या फिर छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, बताइए। देखिए ये कंडेल नहर सत्याग्रह जो था, ये आपको कंडेल ग्राम जो है, कंडेल ग्राम कहाँ मिलेगा, तो वर्तमान का जो धमतरी है उस धमतरी जिले के अंदर ही कंडेल ग्राम है, ठीक है। तो इस ग्राम के अंदर ही 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान, पूरे देश में जब असहयोग आंदोलन की स्थिति बनी हुई थी, तो उस समय छत्तीसगढ़ के अंदर कंडेल ग्राम के अंदर कंडेल नहर सत्याग्रह भी चल रहा था। कब, 1920 जुलाई के आसपास, जुलाई 1920 के आसपास कंडेल नहर सत्याग्रह चलाया गया था। इसका प्रमुख नेता के अंदर पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, नारायण राव मेधा वाले थे, छोटेलाल श्रीवास्तव थे। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है, 1, 3, 4 ये तीनों थे। साथ ही साथ एक और नाम आप याद रखिएगा, नत्थू जी जगताप, ये चारों के चारों नेता जो है इसी से संबंधित हैं। अब देखिए कारण क्या था कि एक थे, एक नहर का निर्माण कराया गया था मिस्टर हैरियट के द्वारा, ठीक है, मिस्टर हैरियट एक ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने कंडेल में एक नहर का निर्माण कराया था, ठीक है, और इस नहर का उपयोग करने के लिए लोगों के द्वारा, कंडेल ग्राम के जो लोग थे उनके द्वारा उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया। अब इसी के विरोध में कंडेल नहर सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस सत्याग्रह के दौरान ही, ठीक है, जब असहयोग आंदोलन के समय यह सत्याग्रह चल रहा था, इसी के दौरान जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे वो महात्मा गांधी से मिलने जाते हैं, और उन्हीं के मिलने पर 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जो है पहली बार छत्तीसगढ़ उनका आगमन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 200वां प्रश्न, आज का वीडियो का हमारा 200वें नंबर का जो प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को भी मैं इसको बनाता हूँ, क्योंकि ये अभी तक इस 14 वीडियो के अंदर हमने 200 प्रश्नों को कर लिया था, अब 200 के आगे के जो प्रश्न होंगे नेक्स्ट वीडियोज के अंदर हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो 200 हमारा प्रश्न हो गया है, तो इस प्रश्न का प्रश्न क्या है पहले वो देखते हैं। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए श्रीमती राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था। देखिए जो ये द्वितीय सविनय अवज्ञा का जो कार्यकाल है, ये आपको 1932 के आसपास देखने को मिलेगा, 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1930-31 के अंदर, 31 मान लीजिए, ठीक है, 1930 से लेके 31 में प्रथम चरण था, ठीक है, बाद में द्वितीय चरण की शुरुआत की जाती है गोलमेज सम्मेलन के बाद, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी के द्वारा। तो उसी समय नेतृत्व के दौरान छत्तीसगढ़ के अंदर भी इस द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो श्रीमती राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था, 13 जून 1932, 29 जनवरी 1932, 14 जनवरी 1932 या फिर 8 अगस्त 1930, कब? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 जून 1932 को। देखिए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 13 जून 1932 को कई महिलाओं, छत्तीसगढ़ की कई आंदोलनकारी जो महिलाएं हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। इनमें तो एक राधाबाई तो हैं ही,
साथ ही साथ और कुछ का नाम बताता हूँ, आप लिख सकते हैं केतकी बाई, रुक्मणी बाई, ठीक है, केतकी बाई, रुक्मणी बाई, मंटोरा बाई, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ, मुटकी बाई, ठीक है, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, केजा बाई, ये सभी के सभी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि ये सभी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था और विदेशी वस्तुओं के बिक्री के लिए विरोध में धरना प्रदर्शन इन्होंने किया था, ठीक है, इसीलिए इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? तो 13 जून 1932 के अंदर। ये देखिए, जो श्रीमती ये राधाबाई हैं, ये 1932 के दौरान ही क्या किया गया था ना, सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान, जैसे ये जो 14 जनवरी 1932 का डेट है, इस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के अंदर डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे, ठीक है, डिक्टेटर की नियुक्ति की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। तो इसी दिन क्या बोलते हैं, इसी समय छत्तीसगढ़ की प्रथम और एकमात्र डिक्टेटर किसको बनाया गया था, श्रीमती राधाबाई को नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसके समय टोटल, इस डेट को 14 जनवरी 1932 के समय 8 डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे, जिसमें जो प्रथम डिक्टेटर थे वो कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिए, प्रथम कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। अंतिम अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम डिक्टेटर कौन थे, तो लक्ष्मी नारायण तिवारी, लक्ष्मी नारायण तिवारी ये अंतिम डिक्टेटर थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 8 अगस्त 1930 का डेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक नाम याद रखिएगा इस दिन, क्रांति कुमार भारतीय, क्रांति कुमार भारतीय, ये 1930 का है, प्रथम जो चरण था सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके समय का। इन्होंने क्या किया था, बिलासपुर के अंदर जो हाई स्कूल है उसमें झंडा फहरा दिया था, ठीक है, इसलिए उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था 8 अगस्त 1930 को। 29 जनवरी 1932 को क्या है कि रायपुर के अंदर पेशावर दिवस मनाया गया था, ठीक है, कहाँ मनाया गया था, तो रायपुर के अंदर पेशावर दिवस जो है मनाया गया था, किसके द्वारा, तो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा, पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में। देखिए, उत्तर पश्चिम के समय सीमा प्रांत में शासन की बहुत अधिक बर्बरता होने लगी थी, बहुत अत्याचार होने लगा था पेशावर के क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर पश्चिम की बात कर रहा हूँ, मतलब आप समझ लीजिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया में, उधर पेशावर में जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत अधिक अत्याचार होने लगा था। तो उसी के विरोध में छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में भी एक पेशावर दिवस का आयोजन किया गया था। कब? तो 29 जनवरी 1932 को, ठीक है, इसलिए ये चारों के चारों डेट मैं इसीलिए इंक्लूड किया हूँ ताकि आपका ये सारे डेट भी आपको याद रहे, ठीक है, वैसे भी डेट कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय का है तो आपको और अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने टोटल 200 प्रश्न अभी तक 14 वीडियोस के अंदर देखा है। ये 200 में 200 कितने लोगों ने ट्राई किया है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल में पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने जो इसके 13 पुराने वीडियोस हैं इसी क्रम का उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। कभी भी एग्ज़ाम देने जाएं तो रिवीजन कर लें, जब आप फ्री टाइम होते हो तो आप सोए जागते आप इसको एक बार दुगना स्पीड में देख के भी आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।